तो चलो गाइस स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको कैसे हो आप सब लोग Uh, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे सो गाइज विल स्टार्ट विद सेशन सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कल जो हमने करंट अफेयर्स देखा था उसके MCQs से गो थ्रू कर लेते हैं हैं उसके उसके देख लेते देन देन विल विल स्टार्ट डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स ऊपर हम लोग बात करेंगे ओके okay, चलेगा तो चलो गाइज स्टार्ट uh, करते हैं सेशन को नाउ uh, सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट सम एमसीक्यूज जो कल का करंट अफेयर्स था उसके एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे पर उसके पहले आज के मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफिटस ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा नाउ अब uh, uh, काफी बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स के प्रिपरेशन में डिप्रेशन आते हैं कभी कभी एग्जाम के प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं सो वी शुड नॉट अलाउ एनी टू और uh, kind of हमारा हमारा बड़ा uh, तगड़ा है, डिफिटसिटी अच्छी होनी चाहिए जितने आप strong रहोगे, उतना success आपके पास बहुत जल्दी आएगा जितना आप डाउटफुल रहोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को सबसे पहले विल डिस्कस अबाउटीक्यूज uh, पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा चलो बताइएगा

जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत इनको अपॉइंट किया गया उनके पहले यहाँ पे नारायण स्वामी लिंगप्पा नारायण स्वामी थे उनके जगह पे अभी मलिमत आ चुके तो आंसर आपका ए है

चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस अ क्रेडिट गारंटी स्कीम वर्थ हाउ मेनी करोड फॉर कोविड एफेक्टेड सेक्टर्स अब कल हमने इसके ऊपर बात की थी इस न्यूज के ऊपर कल हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था तो भाई मुझे बताइए कितना पैसा है कितना फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से निकाल के रखा हुआ है फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर अब ये भी अनाउंसमेंट हुई थी निर्मला पैकेज इस नाम से हमने इस न्यूज को पढ़ा था आपको अच्छे से याद होगा यस वन पॉइंट लाख करोड़ एब्सोलूटली वन पॉइंट लाख करोड़ की हम लोग बात करते हैं इसका डिविजन कोई बताएगा मुझे कि भाई हेल्थ सेक्टर के लिए कितना पैसा निकाल के रखा है और बाकी सेक्टर्स के लिए कितना अमाउंट निकाल के रखा हुआ है तो कोई अगर डिविजन दे देगा तो बड़ा मजा आ जाएगा

यस yes गाइस इसका एक्सटेंशन yes, 25, 26, 25, 26 सेक्टर्स इसमें अनाउंस किए गए इस बार का बजट और लास्ट ईयर का आत्मनिर्भर दोनों पकड़ के 13 सेक्टर्स यहां पे अनाउंस किए गए क्योंकि बजट में 10 सेक्टर्स बताए थे और उसके पहले तीन सेक्टर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी तो 13 सेक्टर्स है

डीआरडीओ सक्सेसफुल कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज अग्नि सीरीज के अंदर एक नया मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर किया गया जल्दी से उसका नाम बता दीजिए भाई क्या नाम है उसका पी एम आर टी बी सो व्हाट एक्सैक्टली नेम ऑफ दैट मिसाइल कैन टेलमी दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्राइम yes, right. की बात करेंगे अग्नि प्राइम है जिसको यहाँ पे परमिशन दी गई आपका रेंज क्या है, के भी हमने बात की थी, इसका काफी है. और मिसाइल कैन बी लॉन्च रेलवेफुल मिसाइल क्रिएटेड बाय डी आर डी ओ सो अग्नि प्राइम इज द नेम कैन यू टेलमी द रेंज यस वन थाउजेंड टू टू थाउजेंड किलोमीटर का इसका रेंज है पिनागा मिसाइल का भी टेस्ट फायर हुआ पिनागा मिसाइल का रेंज फोर्टी फाइव किलोमी

हाइब्रिड व्हीकल्स इनका मैन्युफैक्चरिंग इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडीज इंसेंटिव सारी चीजें इसके अंदर हमने एड की है पहली बार जब फेम बना था तो फेम का जो पहला फेज है वो 2015 में बना था 2019 में पहला फेज खत्म हो गया 2019 से अभी हमने सेकंड फेज स्टार्ट किया था इसको एक्सटेंशन एक्सटेंशन दिया गया है और यहां पे जाएगा आपका दो साल तक का एक्सटेंशन है सो यस, सो यस एब्सोल्युटली दो साल तक का एक्सटेंशन है 2024 तक अब यह स्कीम काम करेगी जो जो बाईस में खत्म होने वाली थी अब यह चौबीस तक काम करेगी दो साल का एक्सटेंशन है यहां पे फेम के लिए दिया गया ओरिजिनल फेम स्कीम दो में लॉन्च हुई थी पहला फेज दूसरा 2019 में स्टार्ट हुआ ये भी एक पॉइंट या पे याद और उसी दूसरे फेज में एक्सटेंशन दिया गया है हमने गुजरात केवा इसका भी डिस्कशन हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर के अंदर किया था आपको अच्छे से याद होगा आगे बढ़ते दोस्तों तो बीसीसीआई डिसाइडेड टू शिफ्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो फ्रॉम इंडिया टू तो विच कंट्री नाउ uh, कौन सी कंट्री जहां पे हमने शिफ्ट किया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आईपीएल uh, भी हमने वहीं पे शिफ्ट करवाया है है यूएई यूएई और Omen, पे पे की की भी बात की भी बात जाएगी एडेड एंड ये दो कंट्रीज के अंदर अभी हम लोग आ, आ, जो हमारा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे बीसीसीआई होस्ट रहेगी बीसीसीआई सारी मैचेस को ऑर्गेनाइज कराएगी बस इंडिया में नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन तो यूएई एंड यूएमन इन कंट्रीज के अंदर बीसीसीआई अभी इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है सो वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट ठीक है आगे बढ़ते हैं विच आर दंट्रीज साइंड एंड हैडेड ओवर द एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू इंडिया ना आई एस एपर हमारी काफी डिस्कशन इसके पहले भी हो चुका था वी डिस्कस अबाउट डेनमार्क ऑल्सो रिगार्डिंग द आई एस ए सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस दो हजार पंद्रह में मंथ ऑफ नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेंच गवर्नमेंट टूगेड गुरुग्राम में ग्रीस का एंड देव साइन दिस एग्रीमेंट सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू वो uh, पुत्र देशों को मदद करना चाहते हैं कि सोलर पावर को जनरेट करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए तो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे है आगे बढ़ते नाउ वाटिका वॉज इनोटेड इन विच ऑफ वाटिका नाम का एक कंसेप्ट है वो कौन से स्टेट के अंदर इनोग्रेट किया गया कौन से स्टेट के अंदर उसको बनाया गया जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिएगा भाई विच स्टेट इज देयर वाटिका इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट्स में यूटीज में पेड़ पौधे होते हैं उनको यहाँ पे लेके आया उनको पे, आ, 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 पे आ, प्लांट किया गया सो so दैट हर एक ही जगह पे आपको पूरे इंडिया का ब्यौरा मिल सके तो यहां पे उत्तराखंड की बात की जाएगी राइट ओके सो उत्तराखंड के अंदर वी क्रिएटेड दिस बहुत बढ़िया थीके? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान Which the following launchers has been फॉलोइ so, लॉन्चर no okay. है उसके लिए भी यही लॉन्चर को हम लोग तो है कोई नहीं जाएंगे, पर जब गगनयान एक्चुअल में लॉन्च होगा तो उसके अंदर एस्ट्रोनॉट रहेंगे डिसंबर तो में उसको लॉन्च किया जाएगा तो कौन सा लॉन्चर है हम लोग यूज करने वाले जीएसएल मार्क थ्री एबसोल्यूटली जियो सी सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थ्री इसको हम लोग यूज करेंगे एंड बाय यूजिंग दैट हेवी लिफ्टिंग के लिए ये लॉन्चिंग व्हीकल काफी किफायती काफी अच्छा होता है तो ये अपनी पॉइंट हमने लास्ट टाइम देखा था के, okay, आगे बढ़ते सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ एटर्नी जनरल बाय वन मोर ईयर टिल Uh, 2 जून 30 2022 हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 की हमने बात की थी अटॉर्नी जनरल ये सबसे बड़ी लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर केसेस में अटॉर्नी जनरल और उनके सबऑर्डिनेट सॉलिसिटर जनरल ये दोनों मदद करते हैं तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 कौन है फिलहाल इंडिया के अटॉर्नी जनरल उनका नाम पूछा गया है यस आंसर इज के के वेणुगोपाल यस एब्सोल्युटली वन ऑफ द वेरी फेमस लॉयर ऑफ इंडिया सो वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए

2018 से यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑब्जर्व करने की ठानी थी तब से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं अब क्यों सेलिब्रेट करते उसका रीजन है 1889 1889 में इंटर

उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है आईपीयू का और जिनीवा में काम करता है इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा हमारे लोकसभा स्पीकर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीयू के अंदर तो जब आईपीओ बनाया गया था उसी डेट को हमने चूज किया एज अ इंटरनेशनल डे फॉर पार्लियामेंटरिज्म याद रखेगा इस बार का थीम देखते आई से यस टू द यूथ इन पार्लियामेंट ये इस बार का थीम रखा गया है कि आई से यस टू यूथ इन इन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट्स के अंदर यंग जनरेशन आनी चाहिए आईपीयू का ओके आई पार्लियामेंट्री यूनियन का क्वार्टर है ध्यान रखेगा और 1886 में उसको क्रिएट किया गया था? सबेर, चौधरी, सबेर चौधरी ये फिलहाल आईपीयू के हेड है बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ध्यान रखिए ठीक है चलो

नाउ द फर्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया का नेबर है और इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त है भूतान उनको हम लोग चार हजार पांच सौ करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनके ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में आजकल ईयर प्लान वाला concept नहीं है जब से इंडिया में नीति आयोग आ गया तो हमने plan was India's last plan. उसके बाद नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया नीति आयोग फाइव प्लान नहीं देती नीति आयोग तीन साल का प्लान देती है सात साल का प्लान देती है और पंद्रह साल का प्लान देती है तो नीति आयोग इस तरीके से वर्क करता है तो यहां फाइव ईयर प्लान वाला कंसेप्ट नहीं है ठीक है पर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते एग्जाम की जब पढ़ाई करने बैठते तो अभी भी फाइव ईयर प्लान पढ़ते भाई अभी नीति आयोग आ चुका है प्लानिंग कमीशन बंद हो गया है फाइव ईयर प्लान वाला कंसेप्ट बंद हो गया तो अभी इंडिया के फाइव ईयर प्लान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीति आयोग को स्टडी कीजिए बिकॉज वो काफी डिटेल में काम करते तो आपके एग्जाम में वहां क्वेश्चन आएंगे चलो अभी इंडिया को साइड में रखते विल टॉक अबाउट द भूटान भूटान में ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है और उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार हजार पांच सौ करोड़ उनको प्रोवाइड कर रही है ध्यान रखेगा तो जो भी उनकी नीड्स है प्रायोरिटीज है फॉर दैट पर्पस वी आर हेल्पिंग सो 18 से 23 तक का ये फाइव ईयर प्लान था कि 18 से 23 तक का ये फाइव ईयर प्लान है तो इस प्लान में उनको थोड़ी पैसे की कमी पड़ रही थी एंड फॉर दैट रीजन मोदी साहब ने जो भूटान का काउंटर पार्ट है मींस भूटान के सॉरी प्राइम मिनिस्टर है लोथसे शेयरिंग इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और 4,500 करोड़ हमने भूटान को देने की बात की हुई है ध्यान रखिए फाइव ईयर्स के लिए पांच साल के लिए फंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फाइव ईयर्स दिस फंड विल बी प्रोवाइडेड टू द भूटान और बाद में ऑब्वियसली ये पैसा वापस भी लिया जाएगा नो डाउट अबाउट दैट बट वी आर हेल्पिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री याद रखिएगा। ठीक है चलो एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा अच्छे से यहाँ पे uh,

प्लानिंग के exam, क्या करते कि उनको मॉक टेस्ट में अगर आपको फाइवर प्लान के क्वेश्चन दिख रहे तो सारे फाइवर प्लान याद कर लेते हैं भाई एक बात हमेशा याद रखना करंट अफेयर चल रहा है करंट की बातें चल रही है नीति आयोग इतने सालों से काम कर रहा है सो चीजें नीति आयोग के ऊपर वर्क करती है ठीक है तो थोड़ा फोकस रखिए ज्यादा वक्त उसमें जाया मत कीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना जरूरी है किसी मॉक में अगर क्वेश्चन दिख रहे या पुराने में अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आज से तीन चार साल पहले क्वेश्चन पूछते थे बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग रिपीटेटिवली थिंग्स आर चेंजिंग वेरी डायनामिकली तो थोड़ा अपने पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कीजिए आपको बहुत फायदा होगा ध्यान रखिएगा ओके okay. uh, चलो ंस कंप्लीटेड विल वेदर इंफॉर्मेशन एंड टेलीमेडिसिन डिजास्टर रिलीफ सो जो इसरो अपना ग्राउंड वहां पे क्रिएट करेगी इसरो अपना स्टेशन वहां पे क्रिएट करेगी उसकी मदद भूटान को वेदर इंफॉर्मेशन

नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग जाते नेक्स्ट okay, न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा नाउ इंडियन नेवी शिप टैबर है अब यहां पर ध्यान दीजिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना इंडिया का एक शिप है इंडिया का एक नेवी शिप है टैबर इज द नेम ऑफ द शिप शिप अभी रशियन नेवी डे में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है के। पर ये पार्टिसिपेट करते वक्त से गुजरेगा उन उन कंट्रीज में जाके हम लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे या थोड़ा बहुत हम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले रशियन नेवी डे पे अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रशियन नेवी डे कब होता है ध्यान रखेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी ऑफ जुलाई रशियन नेवी डे से ऑर्गेनाइज किए जा रहे रशिया के अंदर रहेंगे वहां पर हमें पार्टिसिपेट करना है पर वहां पर पार्टिसिपेट करते वक्त

ता वे रहेगा नो शिप जा रहा है जो तलवार क्लास शिप है टैबर एक्चुअली ये शिप रशिया में बिल्ड किया गया था रशिया ने शिप को क्रिएट किया था और बाद में ये शिप इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया तो बेसिकली ये रशियन शिप है बट बाद में अभी इंडिया इसको यूज करती है

सो घूमते हुए जाएगी और आई एन एस फिलहाल अपनी एक्सरसाइज कर रही है साउथ कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी में यह भी एक पॉइंट याद रखेगा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो सो so, यह था आ, 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 आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के थोड़ा सा मैपिंग का भी देखना आपको पड़ेगा ओके okay. दे, देखिए जितना जूम हो सकता था अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप उतना जूम करने की कोशिश हमने की है के, एक बार आप भी जब आप नोट्स को पढ़ोगे तो गूगल मैप ओपन करके आप एक बार रूट देख लीजिए बिकॉज रूट मैंने नोट्स के अंदर डाले हुआ है तो एक बार जब आप रिवीजन करोगे या रूस को रीड करोगे तब एक बार आप भी रूट देख लीजिएगा जितना जूम हो सकता था पॉसिबल था उतना मैंने कर दिया शायद अगर थोड़ा नहीं दिखा होगा तो वेरी सॉरी फॉर दैट गूगल और मेरे तरफ से सॉरी ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यस नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने uh, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट सिक्स इंडियन मेडिकल फाउंड अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ हंड्रेड बेस्ट मेडिकल ऑफ द वर्ल्ड रिलीज बाय वर्ल्ड मैगजीन सीन फ्रॉम न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क बेस्ट मैगजीन है ये हर साल रिपोर्ट देती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का इस बार रिपोर्ट आया हुआ है सबसे बेस्ट दुनिया के मेडिकल का रिपोर्ट आया हुआ है दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिकल जॉन होपकिन मेडिकल यूएस का जॉन हॉपकिंस मेडिकल कॉलेज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है ऐसा वर्ल्ड मैगजीन का कहना है न्यूयॉर्क बेस्ट इंस्टीट्यूट है उनका रिपोर्ट है अब टॉप में इंडिया के छे के छे के मेडिकल मेडिकल कॉलेज कॉलेज आते हैं नाम और उनका रैंकिंग हम देखने वाले पर दुनिया का सबसे बड़ा जॉन जौ, जॉन हॉपकिस है उसके बाद हार्वर्ड की बात करेंगे एंड पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया का मेडिकल कॉलेज ये टॉप थ्री मेडिकल कॉलेजेस है और तीनों के तीनों यूएस से बिलोंग करते हैं ये भी एक पॉइंट याद रखिए चलो अब इंडिया सबसे में सबसे टॉप में कौन है एम्स न्यू दिल्ली ट्वेंटी थर्ड पोजिशन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एफ पुणे थर्टी रैंक देन सीएमसी वेल्लोर

ये यहां का डेटा था जो मोस्ट मेडिकल कॉलेज के रैंक थे इंडिया के छह कॉलेज के नंबर या रैंक के तरफ इंपॉर्टेंट रहेगा एक और कंट्री है सर्बिया। सर्बिया की बात करेंगे। सर्बिया मार्केट इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लाइक अनियन पोटैटो प्रोमोग्रेनेड एंड द प्रोमेड एरिल्स, एरिल्स का मतलब है जो अनार के दाने होते उनको भी अभी परमिशन दी जाएगी ने हमें मार्केट एक्सेस नहीं दिया था सर्बिया ने मैं मार्केट एक्सेस क्यों नहीं दिया था? पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं और बाद में सर्बिया कहां पे है? हम उसके ऊपर बात कर लेंगे देखिए ना ये जो सर्बिया या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उनका एक सीन होता है उनका सीन है कि वो लोग साइटोसेनेटरी मेजर्स के ऊपर काम करते हैं एक कंसेप्ट है, साइटोसेनेटरी मेजर्स

थोड़ा सा चेकिंग काफी अच्छे से होता है एंड दैट्स अ सर्बिया वॉरियर गाइज ये आपके सामने सर्बिया है के बेलग्रेड इज द कैपिटल यहाँ पे आपको दिख जाएगा के यस गाइज बेलग्रेड इसका कैपिटल है मैं थोड़ा सा मैपिंग में चेंजेस करता हूँ ताकि तो आपको और अच्छे से दिख जाए यस गाइज दिस इज सर्बिया फॉर यू के यहाँ पे सर्बिया है सॉरी uh, आपको दिख सकती है। हम इनको काफी और काफी सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते तो हैं इंडिया में काफी ज्यादा फर्टीलाइजर यूज होते हैं एंड फॉर दैट रीजन दे वेर नॉट रेडी टू परचेज दिस थिंग्स बट अभी वो लोग परचेस करने के लिए रेडी हो गए हैं एंड केस लास्ट टाइम दो हजार ग्यारह की बात है एक बहुत बड़ा शॉक इंडिया को बैठा हुआ था हमने काफी शिप्स भर के फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स यूरोपियन कंट्रीज को भेजे हुए थे यूरोपियन यूनियन ने वो सारा का सारा माल वापस भेज दिया था एक ही रीजन से कि साइटो सैनिटरी मेजर्स ये अच्छे से मेंटेन नहीं किए गए थे और ये वापस भेजा गया था तब से इंडिया काफी लाइक कॉशियस हो चुकी है प्रोडक्शन करते वक्त या एक्सपोर्ट करते वक्त हम लोग काफी सोच समझ के करते हैं एंड दैट पॉइंट डे आउ में देखिए बाकी अगर अनियन की बात करेंगे पोमोग्रैंड की बात करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है बट अगर आप पोटेटो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे अभी भी वो साइटो सैनिटरी मेजर्स को चेक करने वाले एंड दैट पॉइंट डाउ मेंशन जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं है चीजें सर्बिया के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी ये भी एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है नाउ इंडिया के तरफ से ये सारा मामला कौन हैंडल करता है इंडिया के तरफ से एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कौन हैंडल करता है तो एग्रीकल्चर प्रोसीड्स फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है काम करती है, 1986 में create किया गया था तो फॉर हैंडलिंग सच देखिए एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करती है ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और 1986 में इसको create किया गया था इसके तरफ ध्यान रखेगा और सर्बिया का न्यूज हमने देख लिया अनियन पोटैटो और पोमो उसके तरफ ध्यान रखेगा ये तीन कमोडिटीज का ध्यान रखें क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे आ सकते हैं ठीक है ठीके? चलो आ... चलो आगे बढ़ते दोस्तों के तरफ हम लोग जाएंगे के, we'll discuss about the next news. बस यहां पे ध्यान रखना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे टाइम कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या है एग्जैक्टली एपीईडीए फुल भी नहीं समझ में आता है तो कभी कभी हम लोग एग्जाम में मार्क नहीं कर पाते ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इंडिया की ठीक है आगे बढ़ते उाउट इत इन पहलीयोग ने एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का अनाउंसमेंट कर दिया देखिए क्या था budget में निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि दो बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेटाइज की जाएगी आने वाले साल के अंदर तो पूरे साल में दो बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज करेगा पर प्राइवेटाइज करने के लिए नीति आयोग को बोला गया था कि आप सजेस्ट कीजिए किसको प्राइवेटाइज करें तो नीति आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताया और उनका यह कहना है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस इसको आप प्राइवेटाइज कर सकते हो तो इसका नाम नीति आयोग ने सजेस्ट किया यह नाम फाइनल नहीं हुआ है कि यह नाम अभी जाएगा हमारे कोर कमेटी के पास जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है उनको अगर लगा कि यह नाम सही सजेस्ट हुआ है तो उसको प्राइवेटाइज करने की अनाउंसमेंट होगी तब तक नहीं होगी पर नीति आयोग यह कमेटी बनाई गई थी नीति आयोग की और उसने डिसाइड

के okay, एक और पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है एक है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस देन ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस ये चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक ही है एल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चेन्नई में हेडक्वार्टर नाइनटीन थर्टी एट में बनाया गया था नेशनल इंश्योरेंस कोलकाता में हेडक्वार्टर है नाइनटीन जीरो सिक्स में बनाया गया था ओरिएंटल इंश्योरेंस न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर क्रिएट किया गया था 1946 में एंड नेशनल सॉरी न्यू न्यू इंडिया इंडिया एश्योरेंस एश्योरेंस का मुंबई के अंदर है और उसको बनाया गया था 1919 में, 1919 में में तो ये चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करती है उसमें से एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्राइवेटाइज करने की सोच रहे नीति आयोग ने नाम सजेस्ट किया है ध्यान रखेगा नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है फाइनल नाम ये कोर कमेटी करेगी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर उस कमिटी के हेड रहेंगे सो यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये चार कंपनीज के नाम याद ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है के, यस क्लियर हो गया इज दिट क्लियर फॉर यू पीपल यस Yes, यस जो नाम सजेस्ट जो नाम अपने मर्जी से लिए जा रहे नीति आयोग ने जो बैंकों के नाम सजेस्ट किए वो नाम अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवील नहीं किए इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पे रिविल कर दिया है अब देखते कोर कमेटी क्या करने वाली है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते यूनियन बैंक नाउ यूनियन बैंक की बात करेंगे यूनियन बैंक ने दो योजना बनाई है दो पॉलिसी बनाई है एक है यूनियन आरोग्यम देखिए एक नाम है यूनियन आरोग्यम और दूसरा का नाम है यूनियन संजीवनी के अब ये दोनों योजनाएं क्या है अगर किसी को अपना हॉस्पिटल क्रिएट करना होगा तो उसको अगर लोन चाहिए तो यूनियन आरोग्यम के अंदर लोन मिलेगा और यूनियन संजीवनी अगर किसी को अपना ऑक्सीजन प्लांट बनाना होगा तो उसके लिए यूनियन संजीवनी के अंदर लोन मिलने वाला है तो यूनियन बैंक यूनियन बैंक की पे बात की जाएगी ध्यान रखिएगा यूनियन बैंक को नाइनटीन में क्रिएट किया गया था उन्नीस से उन्नीस में ओके okay. सो so, यूनियन बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ये दोनों बैंक अभी रिसेंटली मर्ज हुई है यूनियन बैंक के अंदर यह भी आपको पता होगा तो आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ये रिसेंटली यूनियन बैंक में मर्ज हुई और यूनियन बैंक ने आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हो गए इंडिया को उसके बिहाफ में दो योजनाएं लॉन्च किए यूनियन आरोग्यम एंड यूनियन संजीवनी ध्यान रखिए एक हेल्थ केयर के लिए और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपको याद होगा

जो भी ऑफिसर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएगी तीन स्टेट्स के अंदर के तीन स्टेट्स के कुछ ऑफिसर्स है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग देने वाली है ट्रेनिंग किस चीज की कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे रोका जाए और डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस को कैसे हैंडल किया जाए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उनके अगुवाई में यह अनाउंसमेंट की गई स्मृति ईरानी जी यहाँ पे मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके मिनिस्ट्री के अंदर यह अनाउंसमेंट की गई है कि दैट दे आर गोइंग टू गिव सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग कौन देगा देखिए ट्रेनिंग का पार्टनर कौन है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लबासना

नाउ uh, uh, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है रेखा शर्मा उसकी हेड है यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है एंड डायरेक्टर ऑफ लबासना लोक रंजन के ये तीनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया तीन स्टेट्स के लिए यूपी हरियाणा वेस्ट बंगाल फिलहाल तीन स्टेट्स के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए ध्यान रखिएगा ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्रूशियल के ध्यान रखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे आएंगे स्पेशली स्टेट्स को लेके और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है रेखा शर्मा इनका नाम भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ध्यान रखिए ठीक है ठीके? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट न्यूज बहुत बड़ी है और काफी सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ रेगुलेटर्स अप्रूवल टू इंपोर्ट मॉडर्नाज कोविड 19 वैक्सीन फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन इंडिया नाउ मॉडर्ना का वैक्सीन फाइनली अभी इंडिया में आ जाएगा सिप्ला जो मुंबई में फार्मास्यूटिकल कर रहे थे पर से नहीं Finally, कल मिल कि ये सभी इंडिया में आ सकते हैं पर पहले इनिशियली ये कंट्रोल में यूज किए जाएंगे देखिए फॉर इनिशियल सेवन डेज केवल हंड्रेड बेनिफिशरीज है इनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे चेक करेंगे कि भाई उसका कोई बैड इंपैक्ट तो नहीं होता है अगर सब कुछ सही रहा अगर सब कुछ सही रहा तो फिर इंडिया में इसको हम लोग कमर्शियल बेसिस पे अलाउ कर सकते पर इनिशियली फॉर स्टार्टिंग डेज केवल मेंंड्रेड लोगों को वैक्सीन दी जाएगी के वो सिप्ला वाले डिसाइड करेंगे उसका टेस्टिंग किया जाएगा वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड देन गवर्नमेंट इसको फर्दर कमर्शियल यूज के लिए बाकी यूज के लिए अलाउ कर सकती है चौथा वैक्सीन हो गया कोविशील्ड कोवैक्सिन, स्पटनिक इसके बाद अभी मॉडर्न आ चुका है तो चार वैक्सीन हो गए कोवैक्स नाम की फैसिलिटी, फैसिलिटी बनाई थी उस फैसिलिटी के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन यूएस गवर्नमेंट इंडिया को वैसे भी देने वाला था यहां पे सिप्ला इंपोर्ट कर रही है और फाइनली वी गॉट द परमिशन टू यूज दैट हमें उसको यूज करने की परमिशन मिल गई है ध्यान रखिएगा ठीक है uh, यस ऑल ओके यहाँ पे सब कुछ सही है यस yes, विजी सोमानी साहब बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया अर्चना जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया विजी सोमानी के साहब यहाँ पे काम करते हैं इज द हेड ऑफ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया

रखिए चलो आगे बढ़ते हैं यस नाउ मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज प्रकाश जावडेकर इनोग्रेटेड द एशियाज लॉन्गेस्ट हाईस्पीड टेस्ट ट्रैक नेट ट्रैक्स इन इंदौर मध्य प्रदेश नाउ ये बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है नाउ यहां पे हम एशियाज लॉन्गेस्ट

टेस्ट ट्रैक ये यूएस के अंदर है और ये एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है ध्यान रखेगा अब इसके ऊपर एक बार बात करते हैं नेट ट्रैक्स का फुल फॉर्म देखिए नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक Okay. पे ट्रेन का टेस्टिंग नहीं हो रहा है दोस्तों गाड़ियों का टेस्टिंग होगा याद रखेगा. Now, टेस्टिंग तो जितनी भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है वो यहां पे टेस्टिंग कर सकती है अपने गाड़ियों की कि भाई कितनी स्पीड जाएगी टर्न पे कैसा काम करेगा किस तरीके से वो वेहिकल वर्क कर सकती है फॉर एवरीथिंग नेट्राइस डेवलप इन द एरिया एकर्स ऑफ लैंड एक हजार एक ट्रैक पे हम लोग अचीव कर सकते हैं यह भी जावड़ेकर साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अनाउंस किया था ध्यान रखेगा तो थ्री सेवन किलोमीटर पर आवर का स्पीड है जो हम यहाँ पे टच कर सकते हैं और एशिया का सबसे बड़ा सॉरी लॉन्गेस्ट uh, ये track है, highest -track, ये ट्रैक ट्रैक है है हाई स्पीड भी एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए क्रूशल रहेगा ठीक है गाइस बस पे एक पॉइंट का फुल फॉर्म इसके फुल फॉर्म के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मिनिस्ट्री कौन सी थी हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जावडेकर साहब मिनिस्टर है उनके हाथों से वो इनोग्रेट किया गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट <coughs> पॉइंट नीति आयोग रिलीज कॉम्प्रेनसिव स्टडी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल्स इन कंट्री ऑन ट्वेंटी आपने सुना होगा नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स के कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनते वो केवल सेवा करने के लिए बनते ऐसे हॉस्पिटल्स के नंबर इंडिया में बढ़ने चाहिए ऐसा नीति आयोग कहता है इस रिपोर्ट के अंदर ने एक और सजेस्ट किया का ये कहना है कि अगर कोई सपोज नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल को दान देता है या पैसे डोनेट करता है तो उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट इनकम टैक्स माफ किया जाएगा नो इनकम टैक्स उन पैसों के ऊपर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने पैसा लिया और किसी धर्मार्थ दवाखाना को या हॉस्पिटल को आपने पैसा दे दिया तो उस पैसे के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा ये सजेशन नीति आयोग ने दिया है अभी आयोग रिपोर्ट नॉन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल अकाउंट ओनली वन ऑफ द ट्रीटेड अलाइनमेंट एज जून ट्वेंटी तो इंडिया में इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट बड़ी कम होती है रीजन पता है क्या इन है? हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाएं नहीं होती इन हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल का परसेंटेज इंडिया में बढ़ना चाहिए और इन हॉस्पिटल्स को प्रॉपरली इक्विप कीजिए बिकॉज गरीब इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है तो काफी अच्छा आइडिया नीति आयोग ने दिया है

यस yes, यस yes. गणेश सही पॉइंट आपने कहा कि भाई टैक्स बचाने के लिए लोग इसको डोनेट करेंगे अगर लोग इसको पैसा डोनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे बड़े अच्छे बन जाएंगे तो देश के लिए फायदा ही है नो डाउट अबाउट दैट नो स्टेट न्यूज के ऊपर आते दोस्तों चलो आगे बढ़ेंगे स्टेट न्यूज आपके सामने ये रहा पहला न्यूज इज फ्रॉम दी ओडिशा ओडिशा का तो न्यूज आना बनता है ओडिशा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी डीआईपीएस क्रिएट किया है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अब देखिए न्यूज क्या है देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी तो हर डिस्ट्रिक्ट अपना इन्वेस्टमेंट खुद कैप्चर करेगी जैसे होता है ना कि स्टेट में कोई एफडीआई आता है इंडिया के अंदर एफडी आता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उस स्टेट में या कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं अब ओडिशा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी क्रिएट की है डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी इन्वेस्टमेंट को कैप्चर किया जाएगा के? तो ये उनका फोकस है ये सेम काम केरला कर चुकी है कर्नाटक कर चुके गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसे बड़े बड़े स्टेट ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं अभी ओडिशा ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं और इस एंगल में यहां पे काम करेगा के। आपको याद है वाइब्रेंट गुजरात नाम का कॉन्फ्रेंस होता है हर साल वाइब्रेंट गुजरात जिसमें गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है अब वाइब्रेंट गुजरात जैसे पूरे स्टेट के लिए होता है वैसे ओडिशा का यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्रमोशन किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग कॉन्फ्रेंस रखेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के आना चाहिए ये उनका मेन फोकस यहां पे रहेगा ठीक है अब देखिए उस यूनिट के थ्रू सारा काम होने वाला है सबसे पहले गंजाम डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ के okay, देन जगत सिंहपुर इन तीन जगहों पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे मंथ ऑफ अगस्त में तो गंजाम देन सुंदरगढ़ एंड द जगत सिंहपुर इन तीन जगहों पे सबसे पहले ये पहले फेज में इंप्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे बाकी पूरा ओडिशा इसमें कवर किया जाएगा ये भी पॉइंट नवीन पटनायक साहब ने अनाउंस किया हुआ है अच्छा है okay. किसी ने कमेंट था कि वोकल फॉर लोकल okay. हाँ, बोल सकते वोकल फॉर लोकल पर यहाँ पे फोकस थोड़ा सा अलग है हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट ये अपने आप में इंडस्ट्री से लेज रहे इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहे तो यही हमारा फोकस है एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया गया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दिल्ली मेट्रो अ आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 दिल्ली मेट्रो 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 एवरीवन नोस दैट अमेजिंग है ई श्रीधरन जिनको हम लोग मैन कहते हैं उनके अगुवाई में हमने दिल्ली मेट्रो का काम 2002 में स्टार्ट करवाया था 2002 में दिल्ली मेट्रो ने काम करना शुरू कर दिया था वर्क करना शुरू कर दिया था तो ई श्रीधरन सबको इनका नाम पता होगा केरला में वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हार गए तो उनके अगुवाई में हमने काम शुरू किया था अभी इसी दिल्ली मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग का अवार्ड मिला हुआ है फ्रॉम जापान जापान के सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने इन्होंने अवार्ड दिया है हाई क्वालिटी का ये अवार्ड है और जो अवार्ड इस बार दिल्ली मेट्रो को दिया गया जैपनीज अवार्ड है बस याद रखेगा इंजीनियर्स उनके तरफ से ये अवार्ड दिल्ली मेट्रो को दिया गया कि दिल्ली मेट्रो 2002 में वर्किंग कंडीशन में आ गई थी और ई श्रीधरन इनका नाम याद रखेगा इंडिया के मेट्रो मैन जिनको हम लोग कहते हैं उनकी अगुवाई में हमने इसको स्टार्ट करवाया था एंड दैट इज केसरियर ठीक है चलो दैट्स इट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है आगे बढ़ते आसाम की बात करेंगे आसाम पुलिस रोल्ड आउट द इनिशिएटिव

लखनऊ में रामनाथ कोविंद साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर इसको इनोग्रेट किया तो उनकी जो भी अभी ट्रिप चल रही थी कोविंद साहब की

ये सब कुछ यहां पर रहेगा 45 में इसको डेवलप किया जाएगा ऐसा योगी साहब का कहना है तो योगी साहब के अगुवाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर अभी लखनऊ के अंदर बनाया जाएगा क्रिएट किया जाएगा और उसका फाउंडेशन स्टोन हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब ने यहां पे किया हुआ है ध्यान रखेगा ठीक so, है चलो सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर ध्यान रखिए अगेन यूपी के अंदर इलेक्शन भी है अब बहुत सारे अनाउंसमेंट बहुत सारी योजनाएं यूपी के अंदर वाली आने वाली आने है है ध्यान रखेगा। जहां कहीं भी है। भी इलेक्शन होता हमने लास्ट टाइम देखा था वेस्ट बंगाल केरला तमिलनाडु इनके इलेक्शन के टाइम पे हमने देखा था कि बहुत सारी योजनाएं उन स्टेट से आ रही थी अभी यूपी इलेक्शन है तो अब उनकी बारी आएगी यूपी और पंजाब दोनों जगह इलेक्शन है दोनों के न्यूज बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं

मनीष महात में है कौन एक्जैक्टली एमेजॉन पे को इतना सक्सेस करने वाला पर्सन मनीष महात में ध्यान रखेगा इसके पहले सिटी बैंक

और 2020 में ये व्हाट्सएप पे इंडिया में लॉन्च किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद रखना इंडिया में जो भी यूपीआई बेस्ट पेमेंट होतेजोन पे गूगल पे फोन पे व्हाट्सएप पे इन सबको परमिशन ये एनपीसीआई से लेनी पड़ती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को हमने 2008 में क्रिएट किया गया था मुंबई में एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया दिलीप असबे ये फिलहाल एनपीसीआई के हेड है इन चार्ज है उन्हीं के अगुवाई में whatsapp पे वर्क करता है एंड मनीष में अभी इसको मदद करेंगे इस whatsapp पे को स्ट्रांग करने के लिए और ये बड़ा फेमस नाम है इंडिया में बिकॉज़ amazon सॉरी uh, airtel मनी uh, की बात करेंगे या amazon पे की बात करेंगे ऑलरेडी सक्सेस हम देख चुके तो whatsapp पे भी शायद भाई साहब बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएंगे लेट्स सी अबाउट दैट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं uh, यस yes. जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन देखिए प्रेसिडेंट साहब के टैक्सेस को लेके जो बवाल चल रहा है उसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है छोड़ दीजिए ओके वो, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो गया कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है तो उसको थोड़ा साइडलाइन कीजिए पढ़ाई में इतना मैटर नहीं करेगा के तो हम फोकस करेंगे पढ़ाई की तरफ ऐसे जो स्पाइसी टॉपिक्स होते हैं वो स्पाइसी टॉपिक्स मीडिया के लिए छोड़ दीजिए उनको टीआरपी कमाने के लिए एग्जाम्स के लिए कुछ और पढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे न जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन अब ध्यान दीजिए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन अब ये क्या करता है यूएन यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर काम करने के लिए इंडिया को ये इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन वर्क करता है ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है

ये अभी इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं प्लस छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त भी रह चुके हैं तो काफी अच्छे पोस्ट पे काम किया एंड नाउ ही गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया अंडर थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन 1953 में क्रिएट किया था पर्पज है कि यूएन के साथ मिलकर काम करने के लिए यह मदद करता है मुकुल संगमा मेघालय के फॉर्मर सीएम साहब थे ये अभी तक इसके इंचार्ज थे अभी वो रिटायर हो गए उनके जगह पे अब यहाँ पे हमारे शंभू नाथ श्रीवास्तव जी है जस्टिस रह चुके हैं अब यहाँ पे काम करेंगे ध्यान रखिएगा देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन वाज फॉर मोर देन सिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द स्पेशलाइज एजेंसी तो यूएन और उसकी जितनी भी एजेंसीज है उनके साथ मिलकर काम करने के लिए ये अथॉरिटी काम करती है उसी पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया के अब यहाँ पे एक और पॉइंट है World Federation of United Nations Association. Okay. इनके साथ ये IFUNA काम करता है तो World Federation of United इसको 1946 में में क्रिएट किया गया था। okay. के बिहाफ हर कंट्री तक पहुंचने के लिए ये काम करता है WFUNA. इसका दो जगह से वर्ल्ड नेशन एसोसिएशन वर्क करती है उन्हीं के साथ क्लोजली मिलकर हमारा आई काम करेगा जिसको थ्री में हमने इंडिया में क्रिएट किया था आई एन एज द बॉडी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द यूएन फोरम तो आ, इंडिया को यूएन फोरम के अंदर ये अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा बड़ा क्रूशल है और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अगेन डब्ल्यू एफ डब्ल्यू 1946 न्यूयॉर्क और जिनीवा से ये अथॉरिटी काम करती है जो नाम हमने यहाँ पे देख लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं यस गाइस ना आयोग सीईओ अमिताभ कांत गेट्स वन ईयर एक्सटेंशन नाउ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब जब अमिताभ कांत साहब को ओरिजिनली अपॉइंट किया गया था 2016 में तो केवल दो साल के लिए अपॉइंट किया था केवल दो साल के लिए उनके उसके बाद उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है उनको और एक साल का एक्सटेंशन दिया गया तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उसके सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत ये पहले सिविल सर्वेंट रह चुके थे नाउ इनको अपॉइंट किया गया दो साल के लिए 2016 में उसके बाद उनका दो साल खत्म हो गया एंड देन उनको एक्सटेंशन दिया गया था अब वापस उनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया एंड ही विल हीथ द नीति आयोग एंड दैट इज केस ओवर बस याद रखिए अब नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आपको एक्सटेंशन देने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है गवर्नमेंट अपने मर्जी से एक्सटेंशन दे सकता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपने मर्जी से से क्रिएट किया अगर ये ये पार्लियामेंट बनी बनी होती या ये बनी होती या कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमें बहुत बड़ी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक्सटेंशन दे सकती है तो सीई साहब को यहाँ पे एक्सटेंशन वापस एक साल का मिल चुका है ध्यान रखेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर आएंगे स्पोर्ट्स न्यूज दोस्तों स्पोर्ट्स न्यूज में आप एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया राही सरनोबाद वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 25 मीटर्स पिस्टॉल इवेंट इन क्रोएशिया क्रोएशिया के अंदर पिस्टॉल इवेंट चल रहे थे और वहां पे राही सोरना सोरना बात इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ध्यान रखिएगा के okay. नाउ इनके अलावा मनु भाकर मनु भाकर ये ये रैंक पे आ आ गए फिनिश वो काफी नीचे का 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 लिटरली सेकंड आपको याद होगा मनु भाकर उनको बीबीसी का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है पर इस टूर्नामेंट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई मैथल डी लोमोले इनको सिल्वर मेडल मिला है के? और रशिया के विटालीला इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया बट द okay, राही के राही सोरना बहुत ये इंडिया से बिलोंग करती है एंड शी गॉट द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर्स मनु भाकर से उम्मीदें काफी ज्यादा थी ये सरप्राइजिंग गोल्ड मेडल मिल गया पर मनु भाकर ये सेवंथ रैंक पे चली गई है बस ध्यान रखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है <coughs> स यस देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन बी डिसमेंटल बाय एनी एनी काइंड ऑफ जो भी नई गवर्नमेंट आएगी दे कैन डिसमेंटल जैसे प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन भी हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी था जैसे मोदी साहब आ गए मोदी साहब ने उसको डिसमेंटल कर दिया सो so, अगर नई गवर्नमेंट आती है और उनको अगर नीति आयोग पसंद नहीं आता है तो दे कैन डिसमेंटल नीति आयोग वो डिसमेंटल कर सकते हैं जैसे मोदी साहब ने प्लानिंग कमीशन का किया था वैसे कोई और भी नीति आयोग का कर सकता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का यही प्रॉब्लम होती है ठीक है चलो आप ध्यान दीजिए नो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अभी <coughs> अर्जुन अवार्ड इनके नॉमिनेशन आना शुरू हो गए हर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से किसी ना किसी को नॉमिनेट किया जाएगा तो अभी हॉकी इंडिया ने देखिए पीआर श्रीजेश के के दीपिका ठाकुर इनको नॉमिनेट किया है गांधी खेल रत्न अवार्ड लिए अब एक पॉइंट याद दोस्तों अभी ना रोज रोज लगभग रोज आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में से नाम सुनोगे किसको नॉमिनेट किया गया उसको नॉमिनेट किया गया इनको अवार्ड नहीं दे रहे इनको उस स्पोर्ट इवेंट वालों ने नॉमिनेट किया फाइनल सिलेक्शन गवर्नमेंट करेगी के तो हॉकी इंडिया ने पी आर श्रीजेश के जो इंडिया के हॉकी गोलकीपर है एंड दीपिका ठाकुर इनको नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सबसे बड़ा अवार्ड अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न इसको हमने 1991 1992 में स्टार्ट किया था सबसे बड़ा अवार्ड है देन अर्जुन अवार्ड होता है अर्जुन अवार्ड ये वन से स्टार्ट किया गया उसके लिए भी हरमनप्रीत सिंह के एंड वंदना कटारिया नवजोत कौर इनको नॉमिनेट किया है बाय हॉकी इंडिया ध्यानचंद अवार्ड की पे बात की जाएगी तो बीजे करियप्पा एंड सी आर कुमार इनका नाम नॉमिनेट किया गया द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है जो सबसे बेहतरीन कोच रहेगा उनको अवार्ड मिलेगा नाइनटीन एटी फाइव से हमने द्रोणाचार्य अवार्ड इंडिया में प्रोवाइड करना शुरू किए थे ध्यान रखिए देखिए अगेनिनेशन से के ये फाइनल नाम नहीं है ये केवल नॉमिनेशन है तो हर स्पोर्ट्स इवेंट्स में से किसी ना किसी को नॉमिनेशन मिलने वाले दत्ती चंद की बात करते दिया हुआ है फॉर गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए तो हर स्टेट या कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट अपने प्लेयर को आगे करने की कोशिश करेगी और फाइनल सिलेक्शन ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा ध्यान रखेगा ट्वेंटी को ये अवार्ड दिए जाते जिस दिन मेजर ध्यानचंद साहब का बर्थडे होता है उस दिन हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और उसी दिन ये अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होती है और उसी दिन ये अवार्ड्स प्रेजेंट भी किए जाते हैं ध्यान रखिएगा सो ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट की बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद साहब का बर्थडे होता है जो बहुत जल्दी आने वाला है के? अब इसके बाद देखिए बॉक्सिंग फेडरेशन ने समरजीत कौर गौरव सोलंकी एंड सोनिया चाहके भीट किया बॉक्सिंग फेडरेशन ने अर्जुना अवार्ड के लिए इन तीनों के नाम नॉमिनेट किए हुए लेट सी अब यह किसको अवार्ड मिलता है इसकी तरफ ध्यान देंगे हम लोग चलो एक और एक नाम आपको बताना पड़ेगा अर्जुना अवार्ड सॉरी सो, नॉट अर्जुना अवार्ड ओके okay. uh, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का लास्ट टाइम रोहित शर्मा के उसके बाद हम लोग बात करेंगे विनीशा फोगाट

सुबह विल एमसीक्यूज एंड देन विल डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स न्यूज ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा है, मिलते हैं कल सुबह सात बजे बाय बाय